हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। तो चलिए आज का नया ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं अभी उठी हूँ, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा बीपी लो शायद हो रहा है मेरा, तो मेरे को चक्कर आ रहा है, तो मैं अभी उठी हूँ। और कमरे की हालत आप देख सकते हैं कितनी बेकार हो रही है, तो अभी मैं सब अरेंज करती हूँ। और आज है स्पेशल डे क्योंकि आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो आज हमको 6 साल कम्प्लीट हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं शाम तक, थोड़ा छोटी मोटी पार्टी है, घर पर कोई है भी नहीं, हम लोग हैं और मौसी लोग ही हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो वीडियो बनी रही है हमारे साथ। यहाँ पे मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरा पीपी लो हो रहा है, मेरे को वीकनेस चक्कर जैसे आ रहे हैं, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, शायद थोड़ा ठीक हो जाए उससे, और फिर बाकी काम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर अभी मजबूरी में पीना पड़ रहा है। राशु का यहाँ खेल हो रहा है। हाय कह दो, हाय कहो, हाय ऐसे कह दो, जय भी कर दो सबको, जय करो, जय करो, जय, लंबा हाथ लेके जय। तो ये मडुए का आटा गूंदा है मैंने, ये रोमी को उसकी रोटी बना के देते हैं हम, या तो मॉर्निंग में या रात के टाइम पे, और थोड़ा चावल इसमें मिक्स करके देंगे। तो विक्की और मैं अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ, दर्शन करके आते हैं, और यहाँ से मैं फूल तोड़ लेती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। मंदिर के गेट के वहाँ पर ये टैग्स लगे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इनमें लिखा हुआ है जो भी उसके हिसाब से अंदर मंदिर में पूजा करनी होती है, जिससे कि मंदिर में गंदगी ना फैले, तो उस हिसाब से हम लोग पूजा करके आए हैं। पत्नी जलाई हमने, दिया जलाया और पताशे फूल पानी वानी चढ़ा के हम लोग आ गए। यहाँ पर ये टैग लगा हुआ था, तो हमें चिड़िया चढ़ाएगी, तो देखिए हम देखिए चिड़िया अंदर रखने गए हैं। तो यहाँ टैग के अनुसार ही चले, जो भी मंदिर में आते हैं टैग जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से ही आप चलेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और अब हम जा रहे हैं देवी माँ के मंदिर, वो भी पास में ही है। पर यहाँ तो मंदिर में गेट पे ताला लगा हुआ है, तो बाहर से ही पूजा करनी पड़ेगी, अंदर नहीं जा पाएंगे हम, तो बाहर से ही पूजा करके फिर वापस चलते घर की तरफ। पापा बेटी यहाँ कर रहे हैं चिल। काश तुमने हाथ में क्या पकड़ा है, चाबी को मुंह में डाल रहे, देखो दोनों कॉपी पेस्ट। तो हम लोग मंदिर से वापस आ चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है, और अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि काम चल रहा है घर का, तो सब लोग के लिए चाय बनाना है, तो मैं चाय बना रही हूँ। तो ये कुछ कार्टून बलून्स बेचने वाला आया था, तो काशु के लिए कुछ ले रहे थे। डोरेमोन टेडी बेयर है वो, टेडी बेयर किसका है काशु, ये किसका है, किसी का तो किसी, किसी कर दो, किसी कर दो उसको, किसी कर दो, क्या कर दे उसकी आईज का है, आईज और नोज का है, नोज और लिप्स का है, लिप्स लिप्स कान का है, कान कान का है, उसको दिख नहीं रहा, उसे साइड में देख रही है, ऊपर ऊपर साइड, पागल दो, पागल दो एक बार उसको, पागल दे। तो यहाँ पर बानू और दादी की चाय बिस्किट का टाइम हो गया, स्नैक्स का टाइम, और यहाँ पर फ्राइड राइस का बैटर और चिली पनीर का बैटर तैयार कर दिया है, और यहाँ ये सॉसेस है जो इसमें पड़ेंगे, और कुछ मसाले हैं, और चिकन भी बना रहे हैं हम, यहाँ आधा किलो पनीर से हम बनाएंगे चिली पनीर। और मौसी का यहाँ चल रहा है वीडियो कॉल पे बात मामी लोग से, मामी लोग घर में ही रहते थे,
आज इस बार हमारी पार्टी में वैसे हमेशा ही नहीं होते, तो लास्ट साल भी एनिवर्सरी पे नहीं थे, इस साल भी नहीं है। तो काशू को पहना दिया है पापा के लाए हुए जयपुरी कपड़े तो नाचने में लगी हुई है। ये आपको बहुत बहुत बधाई, आपके 10th में इस बार आए हैं 90%, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स है, ऐसी तरक्की करो और 12th में 110% लाओ और अगली पार्टी तुम्हारी। काशु हम आ जाएंगे जंगल फीसता तो भाई हमारे नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बन चुका है चिकन और यहाँ बन रहा है चिली पनीर। और आपके शेफ हैं दूल्हे राजा। हो चुकी हूँ रेडी। ये भी मैंने पुराना ही कुर्ता पहना हुआ है, मैंने इस बार कोई शॉपिंग नहीं की थी इसके लिए एनिवर्सरी के लिए। तो अभी हम करेंगे केक कटिंग, फंबल हो गया सॉरी, केक कटिंग करेंगे और विक्की वहाँ खाना बना रहे हैं, खाना डिनर बन रहा है, तब तक हम केक कटिंग कर लेते हैं। वैसे वीडियो बने रही है, अभी भी ऑलमोस्ट बन गया है और अब हम करते हैं केक कटिंग। और आज के शेफ बिल्कुल खाना बनाने बहुत खुश हो रखे हैं और यहाँ पूरा खाना बन के हो चुका है रेडी, चिकन चिली पनीर फ्राइड राइस, अब खाते हैं। डिनर हो चुका है हमारा और मौसी और प्रिया चले गए वापस घर विक्की उनको ड्रॉप करके, और यहाँ काशु को सुलाने के पापा कोशिश कर रहे थे पर वो मोबाइल लगाया वहाँ और पापा को ही नींद आ गई, बेटी तो सोई ही नहीं, तो उसको मुझे ही सुलाना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही एंड, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसी मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।